थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमेडी फिल्म है, पूरा कॉमेडी कंटेंट है हम लोगों का, और कॉमेडी के साथ साथ इसमें कैसे जो फैमिलीज अभी आज की फैमिली सर्वाइव करती हैं, ट्रेन जो चल रहा है आज की फैमिलीज का, और ओल्ड टाइम में जो फैमिली सर्वाइव करती थी, लोगों का एक दूसरे से इतना कनेक्शन होता था। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जितने भी एक्टर्स दिख रहे हैं, उनका जो रोल है वो एक गांव के लोग हैं, एक ही गांव दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर, उस गांव के सारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन है। कोई इसमें करेक्टर कर रहे हैं भुलक्कड़ नाई का, कोई कर रहे हैं शादीराम घरजोड़े का, तो मतलब देर आर अ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उसमें क्या है कि एक जो मेन लीड अपना कैरेक्टर है वो अपने बदरुल जी जो कर रहे हैं बल्लू, वो बाय प्रोफेशन एक मनिहार है। मनिहार एग्जैक्टली शायद मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के सामने डायरेक्टली मनिहार कहा जाए तो दे फॉरगॉटन के, मतलब यार क्या है मनिहार, व्हाट इज दिस। क्योंकि हम लोग, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया नाम कि मुझे पता चला एग्जैक्टली, मैंने पढ़ा इसके बारे में जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था इसकी, तो बहुत ही शानदार कैरेक्टर है कि गाँव गाँव जाता है, चूड़ियाँ पहनाता है, लोगों को खुशियाँ बांटता है, और जब खुद की जिंदगी के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा लाइफ सफ़र हो जाती है, इसके ऊपर पूरी कहानी है। और कॉमेडी के साथ साथ इसमें जो है इमोशंस भी हैं, और जो कल्चर, जिसे मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि उस कल्चर को मैं कभी कभी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब मैं हम लोग गाँव में थे, तो वो बार बार लगता था कि यार किसी तरीके से वो चीज़ें हम लोग देख पाएँ, वो ऐसा कुछ बखूबी हम लोग भी उसका हिस्सा बन पाएँ, लेकिन कुछ ऐसा जरिया ही नहीं मिल पा रहा था। तो एग्जैक्टली आई थॉट कि मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए, इसके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार कहानी है पुराने कल्चर को लेकर के, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें जिन्हें शायद आज के लोग देखेंगे दे विल बी शॉक्ड। लाइक कि जैसे कि पहले फिल्में आती थी, जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले गोरा काला, एंड हम एक फिल्म बहुत बहुत हिट हुई थी मदर इंडिया, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी, कहानी तो थी उसके अंदर, बट कहानी के साथ साथ जो लोग कनेक्ट हुए थे उन चीज़ों से, क्योंकि वो आज के टाइम में कहीं है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं करती है, लेकिन उनका हम लोग प्रेजेंस दिखा करके एटलीस्ट आने वाली जनरेशन को, इस दशक की जनरेशन को हम बता पाएंगे कि ये चीज़ें होती थी, किस तरीके से किसान खेतों में पानी पहुँचाते थे, उसके लिए एक सोर्स होता था। पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास आज कार्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उस टाइम पे ये नहीं होता था, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोग नदी के जरिए से बोट से जाया करते थे। तो वैसा बड़ा अच्छा शानदार माहौल होने वाला, कहानी बहुत अच्छी है इसकी, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। मधुर जी, आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए, जैसे सर ने कहा कि जो मुश्किलें आती है इस किरदार में, क्या तैयारियाँ की हैं उसको लेकर, और क्या आप ऐसे किसी इंसान से मिले थे या फिर क्या तैयारियाँ की, अगर उस बारे में कुछ। मैं यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, वहाँ के कस्बा है चांदपुर, मैं वहाँ का हूँ। तो मेरे यहाँ मनिहारों का एक मोहल्ला है, तो वहाँ के मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ, पढ़ा हूँ, खाया है, पिया है, खेला हूँ। तो उन्हीं में से एक थे नासिर भाई, जो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, लेकिन हमारा घर का आना जाना था काफ़ी, उनके साथ उनकी साइकिल पर आगे बैठ के मैं चूड़ी क्रीम पाउडर ये सब बेचने गांव जाया करता था। लड़के घर से अब्बा से ज़िद करके कि मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये किरदार और ये फिल्म मिलने वाली है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, तैयारी तो है वहाँ से, लेकिन फिर भी एक्टर तैयारी करता है और तैयारी करता हूँ और चीज़ें खोजता हूँ। जब भी कुछ मिलता है मैं संजीव जी को फ़ोन करता हूँ, सर ये मिल गया, सर ये मिला, स्क्रिप्ट में ये मिला, किरदार में ये मिला, उनके किरदार में ये मिला, तो वैसे कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक्टर होने के नाते सब अपने कैरेक्टर को लेकर तैयारियां करते हैं, मेरी भी तैयारियां चल ही रही हैं। बाकी संजीव जी हैं जो मुझे काफी गाइड करने वाले हैं, बद्रुल जी हैं, और इतने दिग्गज एक्टर हैं मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मेरा ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ या मैं जो तैयारियां कर रही हूँ, इन सब में सर लोग बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे मनिहार के बारे में इतना कुछ नहीं पता था कि होता क्या है ये, एग्जैक्टली क्या है ये, तो काफी चीजें मुझे संजीव जी ने बताई, तो आई होप कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। पंकज सर, जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था? जैसे रोशनी जी ने कहा कि उनको मनिहार के बारे में पता नहीं था, क्या आपको पता था इस बारे में, और क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच किया गया? मेरा पहला रिएक्शन यही था कि यस, मैं फिल्म करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ा जाए जिसमें कंटेंट हो। बेसिकली जैसा संजीव भाई ने बताया कि आजकल सबसे बड़ी जो कमी है वो कंटेंट की है, तो ये बेसिकली किसी, मेरे हिसाब से, हर इंसान की अपनी सोच होती है, मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, अच्छे प्रोजेक्ट में,
कामयाबी के लिए, एक तो पहली बात होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंटेंट, आपका कंटेंट कितना मजबूत है, एंड सेकंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सेकंड इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मर्स, ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर दोनों चीज़ें इस फिल्म के अंदर हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। और जहाँ तक मेरा इस फिल्म से जुड़ने का सवाल था, फिर मैंने जैसा पहले कहा कि कंटेंट सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं बिल्कुल करूँगा, थोड़ा अलग हटके करने का मौका मिल रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, और जैसे पंकज सर ने बताया कि उनको ज़्यादा पता नहीं था लेकिन कॉन्टेंट बहुत पसंद आया, एज एन एक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टेंट अच्छा हो, किरदार से ज़्यादा कॉन्टेंट ज़्यादा अच्छा हो? जी मेरी जो टेस्ट है वो जैसे आप कहते हैं कॉमेडी फिल्म, तो मैं हंसाते हंसाते कुछ कहने वाली फिल्म होती है जो सीख, और क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, अभी मुंबई में हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं भी कर्नाटक का एक छोटा सा गांव वहाँ से हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो कंटेंट जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे पहले आते हुए कहा था कि कॉन्सेप्ट, स्टोरी, और बहुत ज़्यादा हमने अभी संजीव जी को परेशान नहीं किया है, अब जब शूटिंग शुरू करेंगे तब हम परेशान करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिल्म शूट होने के बाद हम ज़्यादा बोल सकते हैं शायद, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, अब सब उनके दिमाग में है, और जब फ्लोर पे जाएंगे शूट करने के लिए तो तब हमको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेन है कंटेंट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी है, और कलाकार देख ही रहे हैं सब अच्छे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और आप लोगों को एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। जी सर मेरा सवाल आपसे एज ए प्रोड्यूसर, सर कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना और सबके सामने लेके आना, क्योंकि जैसे पहले भी बात हो रही थी कि रिस्क है आजकल सिनेमा बनाने में, लोग थिएटर में नहीं पहुंच रहे, तो एज ए प्रोड्यूसर कितना इम्पोर्टेंट था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना? इसका मेन ये है कि जब मेरी मुलाकात संजीव से हुई तो इन्होंने ये अपनी स्टोरी मुझे सुनाई, क्योंकि स्टोरी भी नई नई लिखी थी, तो मुझे 10 मिनट में इन्होंने सुनाई, तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने तुरंत ही इनसे कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं मूवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि रियलिस्टिक मूवी बनाई जाए, तो मुझे इसमें लगा कि निश्चित मुझे सफलता मिलेगी, और मुझे इसमें रिस्क दिखाई नहीं दिया कि मैं कहीं ना कहीं नीचे जाऊंगा, निश्चित लगा कि ये अच्छी दर्शकों की एक अच्छी ओपिनियन हमको मिलने वाली है, ये मुझे इसलिए मैंने इसमें तुरंत रिस्क ले लिया। बहुत जल्दी मैंने इनको कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, और हमने कई लोकेशन पर्सनली जा कर सर्च की कि जो इनकी थीम थी, जो बेस था कि किस तरह का कंटेंट ये रख रहे हैं, तो इनको हमने वीडियो बना के भेजे लोकेशन पे जाके कि आप देखिए एक्चुअल आपके करेक्टर के अनुसार गांव मिल रहा है, तो इन्होंने 5-6 जो मैंने सर्च करके दिए तो इन्होंने कहा कि ये बेस्ट रहेगा, फिर इनको मैंने दिखाया ले जा करके, इन्होंने फाइनल किया, तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों की थीम है उसी बेस्ड गाँव में इसको जल्द से जल्द शूटिंग करें। अब हम लोगों ने इसको 29 अक्टूबर से ले करके 11 दिसंबर तक इसको हम लोग विभिन्न यूपी के लोकेशनों पर जाके शूट करें। रमेश सर मेरा सवाल, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सिंह साहब ने 3-4 बार कहा कि रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क नहीं ले रहे हैं आप सर, आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं और अच्छी फिल्म को कोई रोक नहीं सकता, आपकी रिकवरी होगी ही होगी, क्योंकि आपकी जो फिल्म है कंटेंट बेस है, अच्छी फिल्म है और लोगों का मनोरंजन करने ही वाली है, तो फिर आपकी तो रिकवरी हो ही जाएगी, डोंट वरी। रमेश सर आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, और जैसे सर ने कहा कि बहुत ही अच्छा कंटेंट तो है ही, साथ ही क्या ऐसा खास बात देखा आपने किरदार में जो आपने फिल्म करने का फैसला किया, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में भी कर चुके हैं इससे पहले। सर इससे बड़ी क्या खास बात हो सकती है कि मैं मेन हीरो का बाप हूँ। मेरे लिए बड़ी बात है, जो आदमी मेन लीड कर रहा है उसका मैं बापू, तो मैं भी तो मेन लीड हो गया।
तो मुझे न कहानी सुनने की जरूरत थी, न कुछ सोचने की जरूरत थी। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर चहास जो पीछे खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा रमेश गोयल जी आप आइए और पिक्चर साइन कीजिए। मैंने पूछा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है पूछने की, क्योंकि पूछने वाला कभी कभी लॉस में आ जाता है। बुलबुल साहब आपको सुन के खुशी होगी कि आप हीरो के बाप का रोल कर रहे हैं, आपको कुछ और सुनना है? मैंने इससे बड़ा कोई रोल ही नहीं दुनिया में, हीरो के मतलब दुनिया हीरो बनना चाहती है और उसका बाप मैं हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी जगह हो गई। तो मैंने सर मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सब्जेक्ट नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है, जो आप जैसे कहेंगे वैसी फिल्म करूँगा। तो न मैंने फिल्म के बारे में कुछ सोचा न समझा, मैं तो हीरो का बाप हूँ, ये सबसे मेरी खुशी की बात है बस। और ये मेरे बाप है मेरे लिए सबसे खुशी की और मेरी बहू कितनी खूबसूरत है सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं, और हमारे एस के सिंह साहब जो बार बार बोल रहे हैं रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं है, हम कलाकार जितने भी हैं बहुत ही परफेक्शन से काम करेंगे, और इन सब के कंधे पर ये जो फिल्म चलेगी तो एस के सिंह साहब 100% फायदे में रहने वाले हैं। और वैसे तो हमारे डायरेक्टर संजीव जी वो काफ़ी फिल्में कर रहे हैं और भी फिल्में कर रहे हैं, कई एड फिल्म करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं फीचर फिल्म, इस फिल्म से वो मार्केट के स्टार डायरेक्टर बन जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को, पूरी प्रेस को, पूरी यूनिट को, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, सी यू, जय हिंद। इसमें दो गाने हैं फिल्म के अंदर, एक फोक सॉन्ग यूपी का है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोगों को बहुत कनेक्ट करने वाला है, जो बहुत पहले हम लोग, जब मैं छोटा था तो रेडियो पे हम लोग वो गाने सुना करते थे, मतलब बहुत कनेक्टेड सॉन्ग होते थे, तो वैसा ही इसमें सॉन्ग्स रखे हैं हम लोगों ने, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स हैं। दो सॉन्ग्स हैं फिल्म के अंदर, एक टाइटल सॉन्ग रहेगा, तीन सॉन्ग हैं फिल्म के अंदर ओवरऑल, एंड बाकी का तो सर ने बताया ही है कि ये सब हम लोग सब जो है पूरी टीम है, और टीम के साथ में जो काम करने वाले हैं, अच्छा बनाने वाले हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आएगा जो सिनेमा हम बना रहे हैं। और अभी भी मैंने काफ़ी फिल्में अभी की हैं, अभी एक फिल्म मेरी और नवंबर में रिलीज़ हो रही है 2 अजनबी, और उसके साथ कंटिन्यूसली मैं काम कर रहा हूँ। मेरा कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाए जाए और ऑडियंस को दिए जाए, जिससे कि लोगों को मजा आए, और पैसा जो खर्च करते हैं लोग तो एटलीस्ट गाली दे के बाहर ना निकले, ये सोच के निकला कि हाँ यार अगर हम लोगों ने पैसा खर्च किया है तो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च किया और हम लोगों को वो मिला है पूरा। हाँ एक ही शेड्यूल में मैं फिल्म खत्म करने वाला हूँ, फिनिश करूँगा, क्योंकि मेरी हर फिल्म, मैंने अब तक 5 फिल्में की हैं, मेरी सारी की सारी फिल्में जो है 1 शेड्यूल में कंप्लीट हुई हैं। मैं सेकंड थर्ड शेड्यूल लगाता ही नहीं, 1 शेड्यूल में स्टार्ट टू एंड में फिल्म खत्म करता हूँ, हमेशा से यही है। रिलीज हम लोग उसको जो करेंगे वो 2023 में ही करेंगे, मतलब और 23 में ही फिल्म हम लोग मार्च तक हम लोग लेके आएंगे सिनेमा के। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि ये 80 या 90 के दशक का गांव दिखा रहे हैं, जी सर, सर आज का भी गांव दिखा सकते हैं, आज का गांव पे जैसे बने हैं पंचायत जैसे वेब सीरीज आई, सर हाँ जी, हाँ बहुत गुदगुदाई जी, आप वो भी बना सकते हैं अगर आप पुराने बना रहे हैं, हाँ तो 80-90 के दशक में बहुत सारी ऐसी फिल्म बनी है तो देख लेंगे लोग, वो गाँव तो देखे हैं जी। जी मैं आपको वही कहना चाहता हूँ सर, देखिए मेरी एक बेटी है 5 साल की, उसका क्या है कि वो फ़ोन के अंदर और ये सब चीज़ों में इतना बिजी रहती है कि शायद, क्योंकि फ़ोन मतलब मैंने क्या कहा, फ़ोन आज इंसान को जो दिखता है ना सामने उसी को जानता है। आज के गांव जो है, मेरी बेटी मेरे साथ गांव जाती है, मैं उसको लाइव दिखा सकता हूँ, लेकिन शायद जो पुराने गांव हैं उनके सामने बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आ जाते हैं नोटिफिकेशंस, वो नोटिफिकेशंस पुराने गांव के मुझे लगता नहीं आने वाले हैं। लेकिन हम जिस कल्चर से, अगर हम भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम सदियों पुराने, मतलब सदियाँ सदियाँ, जैसे हमारा शायद कब से मैं कह सकता हूँ तब से आज तक हम भगवान राम को क्यों जो है कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको जानते हैं। और किसी भी चीज़ को, किसी भी कल्चर को, क्योंकि वी बिलोंग इंडियन कल्चर, तो इंडियन का, इंडिया के अंदर जो है जो कल्चर है, हम लोगों को उस कल्चर एटलीस्ट जानते रहना चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं हम लोग, सब मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हम लोग भी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे कल्चर के बारे में, जो पुराना कल्चर था उसके बारे में जानना जरूरी है आज के जनरेशन का। और नया जो जनरेशन है, नए गाँव है, उनके लिए तो आज रूबरू डायरेक्ट हो ही जाते हैं लोग। आप भी देखिए, आप भी जाते होंगे अपने गाँव में, हम भी जाते हैं, आज का न्यू मॉडर्न गाँव है मैं समझ रहा हूँ उसको, और गवर्नमेंट ने जो किया है एकदम सबको मॉडर्नाइज कर दिया है, और बहुत अच्छा किया है, मॉडर्न होना चाहिए, लोगों को समय के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन कहना है कि हमेशा अपनी अतीत और अपनी संस्कृति से हमें जुड़े रहना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पुराना समय था, पुराने गांव थे, उसके बारे में लोग जानें, क्योंकि जरूरी है वो, मैं जितना समझता हूँ लोगों को मजा आएगा कि हाँ यार ऐसी भी लाइफ होती थी,
क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर जो है फादर अंकल बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा होता था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिनेमा के माध्यम से उसको पूरा लाइव वीडियो के तौर पर मैं लोगों को दिखा पाऊँ। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे सर, आपने जो रोल किरदार अब करने वाले हैं उस बारे में सर। अभी सर ने बताया कि वो हीरो के बाप बने हैं। हाँ। मुझे इन ज्यादा खुशी मुझे है कि मैं हीरोइन का भाई बनाऊं। और बहन को कोई लेके गया तो मारेंगे सर उसको। इसीलिए तो है, मालूम पड़ रहा है उनको, इसीलिए तो बनाया हमको। थैंक यू सर। मैं एक इन्वाइट करना चाहता हूँ समीर चाहर, जो इस पूरे की पूरे नेम है, फाउंडेशन है इसके सारे एक्टर्स।